अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एज़ यू नो हम लोग आज एक मंडी में आए हैं और ये मंडी का नाम है पेबलर फेबर। मेरे को प्रोनाउंसिएशन जी तेलंगाना में ही आती है ये मंडी। ये हर हफ्ते का मेला है। हाँ, सफारी का है। मेले टाइप में जो है ना यहाँ पर बहुत सारे जानवर आते किसानों के जानवर। किसान देखो ना अपनी जान ज्यादा संभालते हैं इनको, पर क्या आगे सेलिंग परचेजिंग करनी पड़ती है। नस्ल दिखाएंगे आपको। ये मंडी लगती है सैटरडे के दिन सुबह में, लग जाती है 5-6 बजे और रहती है शाम के 4 बजे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत जानवर है, देखिए क्या जोड़ा है, बहुत शानदार। ऐसे काफी जानवर हैं, आइए देखते हैं। मजहर भाई आपको मतलब ये तो डील नहीं करते हम लोग, है ना, ये तो सिर्फ ऐसे घूमने के हिसाब से हम बता रहे लोगों को। एक से एक जानवर, द बिगेस्ट कैटल देखेंगे। आ जाइए, खूबसूरती देखिए इनकी। होली के हिसाब से भी ज्यादा जानवर आ रहे हैं। क्या सजा के लाते हैं, अभी छोटे कम उम्र के बच्चे पाड़े, अभी बड़े हो जाएंगे, अभी बड़े होंगे तैयार होंगे। बराबर सिंग भी नहीं निकली बाहर, अभी उंगुल उंगुल बोलते हैं, उंगुल उंगुल बोलते हैं। खूबसूरत आई हजरत, तेलंगाना के किसानों की जान है उंगुल नसल। ये देसी नसल दिख रही है, मजा आ गया भाई। ये बेहतरीन मंडी है। बहुत बड़े पैमाने पे है भाई, ये तो हम कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं। ये आगे आगे तक है मंडी और पूरा खूबसूरत जानवर है। मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, बहुत ज़्यादा ही मेरे को मज़ा आ गया। आप तो देखते रहते हैं मज़र भाई, जी आसिम भाई, खाली भाई आपका भी ये मंडी का तो पहला ही एक्सपीरियंस है। जी भाई, आसिम भाई फर्स्ट टाइम आया हुआ हूँ, बचपन से सुने हुआ था नाम, आना हुआ नहीं, अभी फर्स्ट टाइम आया, मज़ा आ गया आपका। बहुत शानदार, इतनी क्वांटिटी में जो है आज तक नहीं देखे अपन। हैदराबाद में है छोटे छोटे मंडियाँ हैं भाई, आगे चलिए आप, बहुत शानदार है। देखिए बच्चा क्या कलर है, वाह उनको माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा जो छोटे हाथ कर्नाटक की ब्रीड है नंदियाल, वो जो गई आगे ये खेती के काम के हैं क्या? हाँ, ये जोत के काम। हीरो हीरो है भाई मंडी के, दो हीरो है करण अर्जुन, करण अर्जुन है आजिम भाई, शानदार दोनों। आगे और भी बहुत ऑक्स है, बाप रे। ये उंगोल के प्योर नस्ल के हैं आसिम भाई, उंगोल के। वाह, उंगोल जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश के, लेकिन उसका स्टॉक यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिलता। पहले तो एक ही था ना ये जी। क्या लेदर का बेल्ट पहना है इसने, माशाल्लाह। आइए, भाई किसान को मानना पड़ेगा, इतने तैयार जानवर करने को खाना भी तो खिलाना पड़ता होगा इनको इतना। जी सही है। कलर ब्यूटी, ये जोड़ी देखें आप, शानदार जोड़ी है। पोटो पड़ रहा हूँ
इसको यूज किया फार्मिंग में ही करते हैं ये, फार्मिंग में ज्यादातर फार्मिंग ब्रीडर भी ले सकते हैं या तो फिर जोत के लिए जो खेत में यूज करते हैं। ये अभी फुल साइज हो गया कि इससे भी बड़ा होएगा? नहीं, इससे और बड़ा भी होता है मेरे ख्याल से आसिम भाई। ये सिर्फ और सिर्फ अगर मैं गलत नहीं होता चार दांत के अभी बच्चे ही अभी। बाप रे, ये अलग ही नस्ल है एक जी। मजा आ गया। आइए बोले तो ये अम्मा से दूर हो जाते ना, बहुत गर्मी दिखाते। क्या कलर है? क्या बोलते आसिम भाई, कैसा लगा? और मार्केट के बारे में? मैंने पहली बार इतना बड़ा मार्केट देखा। अच्छा, शायद लोग आएंगे तो उनको बहुत मजा आएगा। हिंदुस्तान की बहुत ही शानदार नस्लें आप देख रहे हो आज। इसके पीछे वाला बहुत हाइडेड है, ये सामने वाला मोटा बहुत है। क्या बात है, ये जोत के लिए है। ये बड़ा वाला खेती बाड़ी के लिए, दोनों जो जोड़ा है ना ये खस्सी करे हुए समझे, तो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, जो खेती बाड़ी में यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे आइए। बाहुबली हेलो हेलो मैं समझता हूँ कि हमने 20-30% भी कवर नहीं किया एक्चुअल में, नहीं, नहीं, और कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमको आगे बढ़ते रहना होता है। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने लोगों को ऐसी चीज़ दिखाई, और ख़ास करके तेलंगाना सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं
ना मतलब ऐसे मेले चलने नहीं देते बाकी स्टेट्स में, यहाँ चलने मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सही है, सही है यार भाई, किसानों की ओर से सपोर्ट है तेलंगाना सरकार का, किसानों को बहुत सपोर्ट करती तेलंगाना हुकूमत यहाँ की, अल्हम्दुलिल्लाह वही हिसाब से यहाँ पर मेले ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर खुलते रहते, किसानों को सपोर्ट उतना ही होता, जितने मेले बड़े रहेंगे किसानों का ही फायदा होता है। बकरे के वक्त और बड़े बड़े आते हैं इधर? जी हाँ, और बड़े आते हैं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अभी हम लोग फिर से बकरे मंडी की तरफ रुक कर रहे हैं और बाहर निकलते हो कि एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। आइए।